राधे राधे भगवान की कृपा से आप सब अच्छे होंगे आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 6 जून अमावस्या वाले दिन अगर हम पितरों के निमित्त उपाय करते हैं तो हमारा दोष समाप्त हो जाता है और हमारे घर में मंगल कार्य होने शुरू हो जाते हैं और रुका हुआ व्यापार चल पड़ता है छह जून को वट सवित्री व्रत भी है अमावस्या भी है और शनि देव का जन्मदिन भी है इसलिए ये दिन बहुत ही खास है इस दिन उपाय करने से व्यक्ति के सारे दुख दूर हो जाते हैं और उसका जीवन सुखों से भर जाता है इस दिन अगर पितरों के निमित्त दान किया जाए पंडित को भोजन का वस्त्र का और बने हुए भोजन का अगर दान किया जाए तो पितर बहुत ही खुश होते हैं और उस घर पे अपनी कृपा बनाए रखते हैं पितरों के नाम पर आज पूड़ी खीर और सब्जी बनाकर ब्राह्मण को खिलाएं और उनके नाम का वस्त्र भी ब्राह्मण को अवश्य ही दें इससे हमें पितरों का आशीर्वाद मिलता है और इस दिन शनि मंदिर जाकर क्योंकि आज शनि देव का जन्मदिन है शनि मंदिर में जाकर उन्हें कोई चांदी की वस्तु अवश्य ही भेंट देनी चाहिए और शमी पत्थर भी अवश्य ही शनि देव को चढ़ाने चाहिए इससे शनिदेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में जो रुके हुए कार्य हैं वो हमारे पूर्ण होते हैं और इस दिन वट वृक्ष की पूजा भी जरूर करनी चाहिए क्योंकि आज वट सवित्री व्रत भी है और पांच दीपक दीपक आज अवश्य ही जलाने चाहिए एक अपने घर के ईशान कोण में और एक कुएं के पास एक नदी के पास और एक पीपल के वृक्ष के पास और एक वट वृक्ष के नीचे दिया अवश्य ही जलाना चाहिए इससे पति की लंबी आयु होती है और घर में सारे सुख आते हैं और आज अमावस्या के दिन कोई भी लड़ाई झगड़ा अपने घर में नहीं करना चाहिए और घर की सारी सफाई करके जो भी कबाड़ है वो बेच देना चाहिए और जो कबाड़ बेच के पैसे आए उनसे अपने घर में राशन लाना चाहिए या कोई मिठाई अवश्य ही लानी चाहिए वो पहले पितरों के निमित्त रखकर कर ब्राह्मण को दे देनी चाहिए और बाकी जो मिठाई है वो सारे घर के सदस्यों को ग्रहण करनी चाहिए इससे पितर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और हमारे घर में सुख सुविधा की वृद्धि होती है इस तरह से अमावस्या के दिन उपाय करने से व्यक्ति के सारे दुख दूर हो जाते हैं पितर दोष दूर हो जाता है और पितरों की कृपा प्राप्त होती है जय माता दी